नमस्कार, सीटेट के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका स्वागत है। और जो ये प्रश्न है वो आपके अंग्रेजी के शिक्षण से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। पहले इसको हम समझेंगे। पहले जो इंग्लिश के होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा क्या कह रहे हैं, लेकिन जो हिंदी के होंगे उनको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। अंडर विच एक्टिविटी, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें हम किसी चीज़ को पहचानते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज करते हैं और डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम, उसमें से हम उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है? तो क्या हम बोलते हैं तो उसको पहचानते हैं और उसमें से मीनिंग निकालते हैं? जब हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं करते, वो पहले से समझ के करते हैं। क्या हम सुनते हैं तो हम उसको पहचानते हैं और उसमें से मीनिंग निकालते हैं? तो बिल्कुल आपका आंसर है कि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, उसका साउंड जो होता है उसको पहचानने का प्रयास करते हैं और उसकी मीनिंग निकालने का प्रयास करते हैं। रीडिंग में भी ऐसा नहीं होता, रीडिंग में आप पढ़ते जाते हो, ठीक है, तो साउंड को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। मतलब रीडिंग तो आप खुद बोल रहे हो तो आपकी साउंड है, तो उसको साउंड को नहीं पहचानते। राइटिंग में तो साउंड होती ही नहीं है। तो यहाँ लिसनिंग ऐसी चीज़ है जिसमें साउंड होता है, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि क्या बोल रहे हैं और इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा लिसनिंग।